एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ लंबे फेस पे हेयर स्टाइल कैसी कैसी हेयर स्टाइल करनी चाहिए और कैसा आपको आपके लॉन्ग फेस पे हेयर स्टाइल सूट करेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको क्लिक करके ग्रे में कन्वर्ट कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो भरपूर लाइक दीजिएगा। तो चलिए, मेरा फेस तो राउंड है फिर भी मैं आप लोगों को लॉन्ग फेस के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम लॉन्ग फेस पे कैसा हेयर स्टाइल सूट करेगा वो बताइए। तो मैं आज आप लोग को, मेरा फेस गोल है तो आप मेरे फेस पे मत जाइएगा, मैं आपको जिसका भी लॉन्ग फेस है तो उसको आप वो आप इस तरीके का हेयर स्टाइल अपने फेस पे करेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा और अच्छा सा लुक भी आ जाएगा। और लंबे फेस पे सबसे पहली बात, आपको कभी भी इस तरीके की स्ट्रेट लॉन्ग फ्लिक्स कट नहीं करानी है, शॉर्ट फ्लिक्स कट करानी है। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं और फिर बताते हैं आप लोग को। सबसे पहले फ्लिक्स कट, सॉरी, लॉन्ग फेस के लिए आपको स्ट्रेट फ्लिक्स कट कर सकते हो, जो आईब्रोज तक आती है आपकी फ्लिक्स कट, उसके लिए हेयर कट की, उस हेयर कट की वीडियो मैंने डाली हुई है कि किस तरीके का हेयर कट करोगे तो आपके आईब्रो फ्लिक्स आए, आईब्रो के ऊपर जस्ट आपका बैंक कट आएगा, स्ट्रेट बैंक कर सकते हो, उससे आपका इतना फेस कवर हो जाएगा। और साइड में, साइड से आपको बिल्कुल भी फेस को कवर नहीं करना है लॉन्ग फेस वालों के लिए, ओके। और आप इस तरीके का साइड फ्लिक्स कट करा सकते हो, साइड बन बना सकते हो, साइड हेयर स्टाइल रख सकते हो, उससे आपका फेस थोड़ा सा भरा भरा दिखेगा और अच्छा सा लुक आ जाएगा। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ मैं किस तरीके से आपको करना है लॉन्ग फेस पे हेयर स्टाइल। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को ओपन कर लूँ, उसके बाद से बताते हैं। तो आप देख सकते हो मेरा फेस राउंड है, जो मैंने हेयर कट कराया है इसी टाइप का हेयर कट आप भी करा सकते हो, बट मेरा राउंड फेस है तो मैं इस तरीके से अपने बैंक को रखती हूँ, लेकिन आपको कुछ इस तरीके से सेट करना है, ओके, अगर आपका लॉन्ग फेस है तो। और इस साइड के हेयर को आप पूरा ऐसे रख सकते हो, फर्स्ट हेयर स्टाइल तो यहीं पे आपको काफ़ी अच्छी लगेगी इस तरीके से आप अगर रखते हो तो। लॉन्ग फेस के लिए ये वाला हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लगेगा, यहाँ पे आप इसको क्लिप कर दो और इस साइड से सारे हेयर आपके फेस पे आने चाहिए ताकि, और यहाँ से आपका फेस कवर नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरीके से आपको हेयर को रखना है। तो लॉन्ग फेस पे फर्स्ट तो आप इस तरीके से हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो चलिए और भी हेयर स्टाइल बताती हूँ मैं, तो पहले अपने चश्मे को निकाल देती हूँ। तो फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड में आप कुछ इस तरीके का हेयर कट ले सकते हो, ओके, लॉन्ग हेयर, लॉन्ग फेस के लिए, ओके। और हेयर स्टाइल में जब आप लॉन्ग फेस पे हेयर स्टाइल बनाते हो तो आपको कभी भी, जैसे हम लोग पफ बनाते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से लिया और ऐसे ऊपर की तरफ से पफ बना दिया, इस तरीके का पफ बनाओगे तो आपका फेस और ज़्यादा लॉन्ग लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पफ आप बनाइए, लेकिन जैसे आपने यहाँ से पफ बना लिया, ये मैं फर्स्ट हेयर स्टाइल बता रही हूँ आपको, कभी भी जब लॉन्ग फेस वाले पफ बनाते हो तो आपको क्या करना है, आपने पफ तो बना लिया लेकिन आपको साइड से हेयर को ऐसे रखना है। मेरे फ्लिक्स काफ़ी शॉर्ट हैं, आपके लॉन्ग रहे तो भी बेस्ट रहेगा और शॉर्ट है तो शॉर्ट भी अच्छा लगेगा आप पे। इस तरीके से आप हेयर स्टाइल कर सकते हो लंबे फेस वाले, और ईयर के पीछे आप कानों, सॉरी, हेयर को रखने की कोशिश कीजिए, इससे आपका ये एरिया भरा हुआ दिखेगा और ये वाला एरिया आपको ढक के रखना है ऐसे। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल है लॉन्ग फेस के लिए। आपको एक साइड से कभी भी हेयर एक ही साइड से आपको आगे की तरफ करना है, दोनों साइड से नहीं करना है। आप चाहो तो पूरे हेयर को एक साइड रख सकते हो ऐसे, या फिर आधे हेयर पीछे रहें और आधे आपके एक साइड में रहें। तो इस तरीके से लंबे फेस वाले हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। तो चलिए सेकेंड हेयर स्टाइल बता देती हूँ। सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको साइड से मांग निकालनी है हल्की सी, देन इधर के हेयर्स को ट्विस्ट करना है, ओके। इस तरीके से हल्का सा ट्विस्ट कीजिए, एकदम फ्लैट रखना है, बिल्कुल भी आपको यहाँ से ऐसे पुश नहीं करना है, फ्लैट रखना है और बॉबी क्लिप की मदद से इसको सेट कर देना है। और सारे हेयर को एक साइड में रखना,
ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल है लॉन्ग फेस के लिए। तो इस टाइप का हेयर स्टाइल भी लंबे चेहरे पे काफ़ी अच्छा लगेगा और स्टाइलिश सा लगेगा। ओके, तो चलिए थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। थर्ड हेयर स्टाइल में आपको पूरे हेयर्स को ऐसे पकड़ना है, देन सिंपली क्लिप लगा देना है। इसके बाद आपको यहाँ से हेयर्स निकालने हैं कुछ इस तरीके से। अगर 20 मांग पे लॉन्ग हेयर स्टाइल करना है तो ये ध्यान दीजिए कि आपका जो भी आप हेयर स्टाइल कर रहे हो उसमें आपका माथा कवर हो। ओके, और फिर से वही सेम प्रोसेस आपको सारे हेयर एक साइड में रखने हैं। मेरा फेस थोड़ा सा राउंड में है और यहाँ का हेयर कुछ ज़्यादा चिपका हुआ है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इस तरीके से हेयर आपके फेस पे गिर होना चाहिए। ये याद रखिएगा कि ये आपके जो फ्लिक्स हैं लॉन्ग नहीं होने चाहिए, आधे चेहरे पे ही ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये आपका थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। आप चाहो तो यहाँ से थोड़ा सा इसको मैसी सा लुक दे सकते हो अपने हेयर को। कभी भी लॉन्ग फेस पे डायरेक्ट पफ, ऊंचा पफ नहीं बनाना है। ओके, तो ये आपका थर्ड हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया। और फोर्थ हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, आपको साइड से इस तरीके से ट्विस्ट करना है। आप एक साइड से फ्लिक्स अपने निकाल सकते हो, बैक साइड में लेके इसको यहाँ पे क्लिप कर लो। और यहाँ पे इसको क्लिप कर देना है। साइड से आपको क्या करना है, सारे हेयर्स को इस तरीके से फ्लैट ऊपर की तरफ लेके जाना है, देन यहाँ पे क्लिप कर देना है। सारे हेयर को एक साइड में लेके आइए। तो ये आपका फोर्थ हेयर स्टाइल हो गया लंबे चेहरे के लिए। आप यहाँ से थोड़ा सा इसको पुल कर सकते हो अपने हेयर स्टाइल को। ओके, ओके, चलते हैं फिफ्थ हेयर स्टाइल की तरफ। पांचवे हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, आपको सारे हेयर्स को इस तरीके से लेना है, देन ट्विस्ट करना है। यहाँ से ही आप स्टार्ट कर दोगे ट्विस्टिंग करना। आगे से थोड़े से फ्लिक्स छोड़ने हैं। क्लिप लगा दो। ये आपका पांचवा हेयर स्टाइल है लंबे चेहरे के लिए। कुछ इस तरीके का लुक आएगा, काफी प्यारा लगता है ये भी हेयर स्टाइल। और उसके ये हमारा पांचवा हेयर स्टाइल है लंबे चेहरे के लिए। एक साइड के से चेहरे को आपको कवर करना है, इससे आपका लंबा फेस थोड़ा सा हाइड होगा और माथा आपका हाइड होगा और आपका लॉन्ग फेस काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो इस तरीके से आप पांचवा हेयर स्टाइल कर सकते हो लंबे चेहरे के लिए। छठे हेयर स्टाइल में क्या करना है, यही हेयर स्टाइल के साथ आपको सारे हेयर इधर लेके आने हैं। यहाँ पे एक पोनी बना देनी है। आप इसमें इस वाले हेयर स्टाइल को छोटे बालों पे भी, जितना हेयर स्टाइल मैंने बताया है जिसके भी छोटे हेयर हैं आप वो कर सकते हैं। हेयर स्टाइल को यहाँ पे रबर बैंड लगा दीजिए
ओके। तो इस तरीके से भी अच्छा लगेगा। जब भी आप यहाँ पे रबर बैंड लगाते हो तो आपको एक चीज और करनी है इसमें, इस तरीके से, और इसको इन कर लीजिए तो ये काफी अच्छा लगेगा। तो ये हमारा छठा हेयर स्टाइल हो गया लंबे चेहरे के लिए। छोटे बालों पे भी ये वाला हेयर स्टाइल काफी अच्छा लगेगा। तो अब चलते हैं सातवें हेयर स्टाइल में। आपको क्या करना है, आपको अपने हेयर्स को थोड़ा सा राउंड राउंड ऐसे लपेटना है। काफी शॉर्ट हेयर है तो बन इसमें साइड बन बहुत ही अच्छा लगता है लंबे चेहरे पे। और इसको आप बॉबी क्लिप या फिर यू क्लिप की मदद से सेट कर दीजिए। और थोड़ा सा हेयर स्टाइल को मैसी सा लुक दीजिए। वाओ। तो ये हमारा सातवां हेयर स्टाइल है लॉन्ग हेयर लॉन्ग फेस के लिए। तो छोटे बालों को ये वाला हेयर स्टाइल भी काफी अच्छा लगेगा। ये आप गाउन ड्रेस के साथ भी ट्राई कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा सातवां हेयर स्टाइल। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी यूनिक वीडियोज आप लोग के लिए लेकर आता हूँ। और आपको मेरे हेयर स्टाइल बताने का तरीका कैसा लगता है और हेयर स्टाइल्स कैसी लगती हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इंस्टा आईडी PreetiBhai24 है तो वहाँ पे जाके भी फॉलो कर लीजिएगा। और इंडियन यूट्यूबर PreetiBhai चैनल को भी जरूर देखिएगा जिसको भी ड्रेस डिजाइनिंग सीखनी हो, टेलरिंग का कोर्स सीखना हो।